Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बीच जिस तरीके से राहुल गांधी की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन उनके साथ आजकल चल रहे एक युवा नेता की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और राहुल गांधी के ही तर्ज पर जिस तरीके से वो अपना दाढ़ी बढ़ा रहे हैं उसको भी लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरा का पूरा पानी पिलाकर रखते हैं, वो नेता कोई और नहीं बल्कि कन्हैया कुमार हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं नरेंद्र मोदी को लेकर। कन्हैया कुमार ने कुछ ऐसी बात कह दी है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल बात करें तो कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी करते रहते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो पीएम मोदी पर टिप्पणी कर रहे हैं। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि साहब ने कहा है कि हम ट्रेन के डिब्बे में चाय बेचते थे, हमें उनको चाय बेचते तो नहीं देखे लेकिन रेलवे बेचते हुए जरूर देख रहे हैं। कन्हैया कुमार के इस वीडियो पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि हमने साहब को चाय बेचते नहीं लेकिन रेलवे बेचते दिखा है। गुरु हमने चाय बेचते हुए नहीं बल्कि BSNL बेचते हुए देख रहे हैं, LIC बेचते हुए देख रहे हैं। अगर कोई चाय बेचने वाला होता तो दूध का दाम जो है वो नहीं बढ़ाता। आपको पता ही होगा कि 2 रुपए इजाफा जो है मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स पर जो है 2 रुपया का इजाफा हुआ है और उसको लेकर कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो कन्हैया कुमार ने कहा कि मैं मोदी जी की तरह आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री होता तो नए साल से पहले दूध का दाम बढ़ता गया। इस तरीके से उन्होंने जो है लगातार मोदी पर निशाना साध रहे हैं। तो वही बात करें तो सोशल मीडिया पर तमाम लोग कन्हैया कुमार के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और एक यूजर ने लिखा है कि इनको देश को बदनाम ही करना है, देश में प्रधानमंत्री का अपमान इनकी मानसिकता है और देश को तोड़ने वाली चाहत से जुड़ा मुद्दा है। तो वही एक और यूजर लिखते हैं कि करोड़ों लोगों ने नेहरू जी को आजादी की लड़ाई लड़ते नहीं देखा था लेकिन चीन को 40,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन सरेंडर करते हुए देखा था। एक यूजर ने लिखा है कि चाय बेचते हुए इसलिए नहीं देखे पाए कन्हैया जी क्योंकि जब वो चाय बेचते थे तो शायद आप इस दुनिया में नहीं थे। और तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस वीडियोस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहीं पर वो बोल रहे थे। इस दौरान मोदी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी और भाजपा पर उन्होंने तीखा हमला किया था। तो वहीं भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा पर बोलते हुए कन्हैया कुमार ने कहा था कि जो लोग वास्तव में संत प्रवृत्ति वाले होते हैं वे कभी भी हिंसा की बात नहीं करते हैं, वे कभी भी गलत नफरती भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि वो बांटने की बजाय केवल उन्हें जोड़ने की बात करते हैं। और ये बयान सोशल मीडिया पर कन्हैया कुमार का वायरल हो रहा है। खैर, नरेंद्र मोदी पर दिए इस बयान को लेकर कन्हैया कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।